सबसे पहले नमस्कार गाइज, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हरियाणा डेयरी फार्मिंग के चैनल में। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की न्यूज है, सावन का महीना और लगातार दूसरे दिन सावन में लगातार बारिश हो रही है। सुबह से, कल शाम को भी हुई थी और आज सुबह भी बारिश हो रही है। किसानों का जो लंबे समय से इंतज़ार था एक बारिश का, वो लगभग ख़त्म हो गया है और फसलों की डिमांड थी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत थी बारिश की, वो भी लगभग इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब एक अच्छी फसल होने की उम्मीद किसान को जग गई है इस टाइम। वो उम्मीद जो काफ़ी दिनों से लगाए बैठे थे कि अच्छी बारिश हो, और वो बारिश हो चुकी है, यानी कि इंतज़ार जो एक बारिश का था वो ख़त्म हो गया है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा के हिसार ज़िले के आदमपुर हलके की हैं। यहाँ अभी जो मौसम देखा जाए तो भट्टू, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के लगभग क्षेत्र में बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई है, तो इससे किसानों में एक उत्साह पैदा हुआ है, किसानों की एक उम्मीद जगी है कि आगे ये जो नरमा की फसल है, ग्वार की फसल है, बाजरे की फसल है, ये एक अच्छे होने के संकेत, फिलहाल अगर बात करें तो एक अच्छे फसल मिलने के संकेत किसानों को जरूर लग रहे हैं। साथियों, जिस साथी ने अब तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है या कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको किसानों से जुड़ी हुई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई और गौशाला से अच्छे अच्छे गाय कहाँ, कौन से गौशाला में किस प्रकार से हैं, वो न्यूज़ आपको मिलती रहेगी लगातार। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर एक अच्छे से अच्छे न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ, लेकिन इस टाइम जो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है वो एक बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इस चैनल को अपना समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी साथी, व्यूज़ तो बढ़ते जाएंगे लेकिन सब्सक्राइबर हमें इस टाइम एक डेढ़ महीना लगेगा थोड़ा सा बढ़ाने में। आपके अगर सपोर्ट रहेगी तो शायद हम एक अच्छा टारगेट बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम और जय जवान जय किसान।